सबसे बड़ा हथियार है। लोकतंत्र आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दुर्बल बने, सत्ता आपके हाथों में नहीं हो। वो चाहते हैं कि सारी सत्ता उनके हाथों में हो। तो आप अच्छी तरह से बात को समझिए, लोकतंत्र का मतलब है सत्ता आपकी है। इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य के निर्णय करने के लिए सक्षम बने। ये कोई लोकतंत्र नहीं है जहाँ पे आप आवाज उठाते तो आपको पीटा जाता है या आपका मुंह बंद किया जाता है। ये कोई लोकतंत्र नहीं है जहाँ किसान प्रताड़ित है, जहाँ उसके लिए कुछ नहीं होता है और जब वो अपनी आवाज उठाता है तो उसको दबाया जाता है। ये कोई लोकतंत्र नहीं है जहाँ नौजवानों को, जहाँ शिक्षा कर्मियों को, जहाँ आशा बहुओं को जब भी वो अपनी आवाज उठाते हैं कि हमारा हक क्या है, आप उसको दबाना चाहते हैं। तो देखिए, आपका हक आप अच्छी तरह से समझिए। कोई नेता आपके सामने आए कहे कि आप पे कोई एहसान कर रहा है, कि इतनी बड़ी चीजें करने जा रहा है आपके लिए, ना करें, और कि आपके लिए ये बहुत बड़ा एहसान है, गलत है। कोई एहसान नहीं, ये आपके हक हैं, आपके अधिकार हैं। चाहे ये विकास के अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, चाहे ये रोजगार का अधिकार हो, चाहे ये अधिकार हो कि आप किसान हैं और आपकी समस्याओं को हल करने का अधिकार, ये सब आपके हक हैं। ये समय आ गया है जब आप एकदम सोच समझ के आगे बढ़े, सोच समझ के अपना मोड़ लें, क्योंकि ये जो सरकार है जो 5 सालों से सत्ता में है, ये भूल गए कि सत्ता देने वाले आप हैं। ये भूल गए कि असली सत्ता जब आपकी जनता की है, ये भूल गए और आपने भूलने दिया है। ये सोचते हैं कि सारी सत्ता इनकी है, ये सोचते हैं कि उन्हें सक्षम होना चाहिए लेकिन जनता दुर्बल होनी चाहिए। कहते हैं कि बहुत सक्षम है, कहते हैं कि सबल है, लेकिन मेरे जहन में इससे बड़ी दुर्बलता है ही कि आप अपनी जनता की आवाज सुन नहीं सकते, कि आप अपनी जनता के सामने जा नहीं सकते। आपको मालूम है, आपको मैं कहानी बताती हूँ, सुनिए। मैं 15 दिन पहले वाराणसी गई थी और इनका प्रचार इतना अच्छा है। जब मैं वाराणसी गई क्योंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, मैंने भी सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या होगा, टीका होगा, घूमे होंगे। मैंने लोगों से पूछा, आए हैं यहाँ, मुझे बताया गया आते तो हैं। मैंने कहा आते गाँव गाँव जाते हैं, मिलते हैं आपसे, मुझे बताया गया आते तो हैं दीदी, लेकिन भाषण देके चले जाते हैं, बड़ी 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 रैली करते हैं दीदी, लेकिन चले जाते हैं। तो मैंने कहा क्या 5 सालों में किसी के घर नहीं गए? और मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि इनका प्रचार इतना तेज है कि मैं भी उस प्रचार में पड़ गई। मुझे ताज्जुब हुआ कि प्रधानमंत्री जी को 5 मिनट का समय नहीं मिला कि 5 सालों में उन्हीं के क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी एक परिवार की भाषा। और आपने देखा होगा दुनिया भर घूम आए हैं, जापान गए वहां गले लगे, वहां अमेरिका गए वहां भी गले लगे, पाकिस्तान गए वहां बिरयानी खाई, अफ्रीका गए वहां गले लगे, लेकिन वाराणसी के एक गरीब परिवार से कभी गले लगते हुए आपने उन्हें देखा है? तो आप समझिए कि एक राजनीति प्रचारवादी राजनीति है और दूसरी राजनीति आपके लिए काम करना चाहती है। दूसरी राजनीति कैसी है?
कि किसानों का कर्ज माफ करेगी। दूसरी राजनीति कहती है कि गरीब परिवारों को 72,000 रुपए हर साल मिलेंगे। और जब हम ये कहते हैं तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं सुनिए, हंसने की बात नहीं है। 317,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ करने के लिए है, लेकिन गरीबों के लिए लेकिन आपकी सड़कों को बनाने के लिए नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पानी लाने के लिए नहीं है। जीएसटी से आपको मारा गया है। मैं जब भदोही गई थी तो मैंने बुनकरों से मैं बात की, कालीन के उद्योग वहाँ पे 60% खत्म हो गए। क्यों? जीएसटी की वजह से। क्योंकि हर धागे पे जीएसटी, धागे के रंग पे जीएसटी, उसके बाद कोई ईमेल बनाओ यहाँ, दूसरी जगह जाओ एक और बनाओ। मार डाला है छोटे उद्योगपतियों को, मार डाला है छोटे दुकानदारों को। और समर्थन किसने दिया था? समर्थन किसने दिया? समर्थन उन्हीं छोटे उद्योगों ने, उन्हीं दुकानदारों ने दिया, उन्हीं किसानों ने दिया और उन्हीं नौजवानों ने दिया। और उस समर्थन के लिए आपको क्या मिला? उसको ये मिला कि आज नहीं, मैं बताती हूँ क्या मिला। सुनिए सुनिए, पांच साल बाद जब प्रचार करने निकले हैं, एक उपलब्धि नहीं गिना सकते। वो सिर्फ ये कह सकते हैं उनको एक वो है सनक है मेरे परिवार के पास, सिर्फ ये कह सकते हैं नेहरू ने ये किया और इंदिरा गांधी ने ये किया। अरे मोदी जी, आपने क्या किया ये तो बताइए, ये तो बताइए कि 5 सालों में आपने क्या किया? इसीलिए इसीलिए 5 साल बाद आपके सामने ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं। अगर राष्ट्रवादी हैं तो क्या शहीदों का आदर करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आपके विपक्षी दल के पिता हो, उस शहीद की भी आदर करनी चाहिए। आप राष्ट्रवाद हो तो जब देश भर से किसान नंगे पांव आपके दरवाजे पे आए तो आपने वो दरवाजा क्यों नहीं खोला? आप वो दिल्ली आके यहाँ से क्यों लौटे बगैर आपसे मिले? अगर आप राष्ट्रवादी हो तो जो वचन आपने 5 साल पहले इस राष्ट्र के साथ किए थे, जो वचन आपने किए वो आपने पूरे क्यों नहीं किए? ये सवाल पूछे। आप जनता है, आप सक्षम बनिए, आपकी शक्ति है, अपने हाथों में लीजिए और इस तरह की राजनीति को बताइए, एक ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाइए जो आपको आगे बढ़ाने वाली राजनीति है, जो आपका विकास चाहती है। हमारे घोषणा पत्र को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखिए। आप नौजवान हैं, कहिए मेरे लिए क्या है? आप दुकानदार हैं, कहिए मेरे लिए क्या है? पढ़िए घोषणा पत्र को। हम आपके सामने आए हैं, राहुल जी आए हैं, कहते हैं हम ये करके दिखाएंगे। एक घोषणा पत्र बना है, पूरे राष्ट्र से लोग उसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने पूछा, एक साल का काम किया, दुकानदारों से पूछा आपके लिए क्या अच्छा है, और किसानों से पूछा आप क्या चाहते हैं, नौजवानों से पूछा आप क्या चाहते हैं, और उस आधार पर ये घोषणा पत्र बनाया। उस घोषणा पत्र को पढ़िए, सीरियस बन जाइए, देखिए सीरियस बन जाइए। ये राजनीति बड़ी सीरियस चीज है, सीरियस हो जाइए, जो आपके लिए काम करता है उसको आगे बढ़ाइए। और जो झूठा प्रचार करता है, उसको सबक सिखाइए कि ये नहीं चलेगा, कि ये राजनीति नहीं चलेगी।
आप बहुत बोल चुकी हूँ, आपको भूख कर दिया, अब आगे बढ़ रही हूँ। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।